विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने वॉकआउट करते हुए जोरदार नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य वॉकआउट करते हुए बीच से बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। स्कूली बच्चों को निशुल्क वर्दी नहीं दिए जाने को लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया और साथ ही बाबा रामदेव पर सरकार की मेहरबानी को लेकर भी नारेबाजी की गई। तपोवन में सोमवार दोपहर 2 बजे से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष आक्रामक तेवरों में नजर आया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार को विपक्ष को धमकाने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच प्रश्नकाल शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले बीजेपी विधायक विक्रम जरियाल ने सरकार से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार के संबंध में प्रश्न किया, लेकिन विपक्ष के विधायक सीटों से उठ गए तथा करीब 15 मिनट बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सभी विधायक गेट नंबर 1 में बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सरकार निकम्मी है, बच्चों को वर्दी देना सिखा दो, वो सरकार निकम्मी है, बच्चों को वर्दी देना सिखा दो, वो सरकार निकम्मी है। बब्बे छपे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बब्बे छपे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बब्बे छपे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। रामदेव की मेहरबानी, बंद करो, बंद करो। तपोवन में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर जहां भी जा रहे हैं एक ही बयान दे रहे हैं कि विपक्ष को देख लूंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा, विपक्ष को जेल में डाल दूंगा, सीएम विपक्ष को धमकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक अधिकार से चुनकर आया है, विपक्ष का काम ही सरकार की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन सरकार विपक्ष को राजनीतिक विरोधी नहीं राजनीतिक दुश्मन मानकर चल रही है। 15 दिन से मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां पे एक ही बयान दे रहे हैं कि मैं विपक्ष को देख लूंगा, मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, मैं FIR दर्ज कर दूंगा, मेरे पास बहुत मसले हैं। ये विपक्ष को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, विपक्ष को धमकाना चाहते हैं। लगातार इनका जो है सुई एक जगह पे अटकी हुई है कि मैं विपक्ष को नहीं छोड़ूंगा, मैं विपक्ष को जेल में डाल दूंगा। विपक्ष जो है लोकतांत्रिक अधिकार से जो है यहाँ चुन के आया है, हमारा काम है जो सरकार गलत कर रही है उसको रोकने के लिए। लेकिन ये जो है विपक्ष को जो है पहले भी हमने कहा ये हमें राजनीतिक विरोधी की बजाय राजनीतिक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए लगातार कह रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़ा मसौदा है, अगर कांग्रेस पार्टी चार्जशीट बना रही है, कांग्रेस को है कि जो गलत देखा जाएगा, विपक्ष इसीलिए होता है, वो बात जो है सरकार के आगे रखता है। लेकिन इन्होंने जो है एक ही बात कर रहे हैं लगातार। देवन पे तो बहुत शिष्टाचारी दिखा रहे थे कि मैं तो कोई बदले की भावना नहीं कबाला नहीं हूँ, मेरी इमेज ऐसी है, और आप अपनी इमेज कोई और पेंट करते हैं और अपना एक्शन जो है किसी और दिशा में करते हैं। तो इसलिए जो है आज जो हमने इश्यूज उठाए, हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, आप बताइए कि प्रदेश के बच्चों को पूरा साल वर्दी नहीं मिली और दो विभाग लड़ते रहे, शिक्षा मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री या विभाग जो है आपस में लड़ते रहे और वर्दी का टेंडर फाइनलाइज नहीं हो सका। 12वीं के बच्चे तो पास आउट होकर बाहर चले जाएंगे। 8,50,000 बच्चों के साथ आपने धोखा कर दिया। प्रदेश के 8,50,000 सरकारी स्कूलों के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने उनका रंग बदला था, आपने जो भी बदला था, लेकिन आपको बच्चों को वर्दी पहुंचाते, चाहे बच्चों को पैसा पहुंचाते ताकि वो खुद सिलाते, लेकिन आपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रेब किया। आपको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप रोज़ स्कूलों में उद्घाटनों को चले हुए हैं, वहाँ पे जाके एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि बच्चे जो है कैसे कपड़ों में वहाँ पर घूम रहे हैं? आप जो है बच्चों को लैपटॉप नहीं दे पाए पूरा साल, पूरा साल जो है जो मेधावी छात्र थे उनको लैपटॉप मिलने थे, आपने उनको लैपटॉप नहीं दिए, और फिर आपने उनको स्कूल का बैग देना था, आपने स्कूल का बैग नहीं दिया। आपने अपने बजट में लिखा था कि आप जो है एक बॉटल भी देंगे स्कूल के बच्चों को पानी के लिए, आपने वो भी नहीं दिया। तो बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी किसी सरकार ने किया? बाबा रामदेव जैसे व्यक्तित्व जो कि 10,000 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, जो देश के 10 बड़े धन्ना सेठ बाबाओं की श्रेणी में है, जो शुद्ध कारोबारी है, उसको तो आप जो है हिमाचल की ज़मीनें जो है औने पौने दाम पे देते जा रहे हैं। 93 बीघा ज़मीन जो है जिसकी मार्केट कॉस्ट जो है 100 करोड़ रुपया है, आप वो बाबा रामदेव को 2 करोड़ 40 लाख में दे दिया आपने।
बाबा रामदेव आज जो है खाना भी बना रहा है, चूड़ियां भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। उस बाबे को तो आप बहुत मेहरबान हो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को पोषित करता है, और उसने उसको जो है 7 बार नोटिस गए कि 1.19 करोड़ रुपया सालाना लीज बनती है, आप पैसा जमा कराओ, लेकिन उसने पैसा जमा नहीं कराया। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब भाजपा की सरकार आए, और मैं जो है इनसे जो है स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं पैसा जो है ये माफ़ करवा लूं। और वन टाइम लीज भी लेनी होती तब 27 करोड़ की ज़मीन थी, वो आपने 2.40 करोड़ में दे दी। 100 करोड़ रुपया आप एक बाबे पर लुटा रहे हैं, बच्चों को आप जो है वर्दी नहीं दे रहे हैं, गरीब आदमी को आप 2 मरला ज़मीन मकान के लिए नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जो है बसों की खरीद, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो डे वन से, जैसे ही आप आए आपने आते ही कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस में घोटाला है, आपने कहा इसकी जांच होगी। और अब कुछ अर्सा के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि आप वही बसेस खरीद रहे हैं और पहले से महंगी खरीद रहे हैं? आपने कहा कि हम तो 76-77 लाख की बस खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि आपने तो जो है टेंडर के क्लॉज ही बदल दिए, आपने जो है उसकी रिपेयर का जो है मेंटेनेंस का जो क्लॉज था वो हटा दिया, जो कि जितने की बस है उतने का वो है, और 2 लाख ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा है। और मुंबई के वकील ने जो है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसने कहा कि ये इस खरीद में बहुत बड़ा घोटाला है, इस खरीद में आगे ना बढ़ा जाए, और आप जो है पहले यहाँ पे जो हिंदुस्तान की सारी कंपनियाँ को बाहर कर दिया, बस खरीद में इस ढंग से शर्तें लगाई गई ताकि सारी कंपनियां बाहर चले जाएं और सिर्फ इनके चहेते रह जाएं। तो किस ढंग से आप बसें खरीद रहे हैं? और फिर आपने जो है जब आप आए थे आपने कहा था कि हम रेगुलर भर्तियां करेंगे, हम जो है सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्तियां करेंगे, हम जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियाँ करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड पर कहा कि आउटसोर्स भर्ती वाले हम रेगुलर नहीं करेंगे, और अब जो है अब ये जो है भर्तियां कर रहे हैं आउटसोर्स पे कर रहे हैं। पिछली कैबिनेट में इन्होंने 2500 लोगों को जो आउटसोर्स पे रखने की इजाज़त दे दी, बिजली बोर्ड में भी किया। आप कंडक्टर 1000 कंडक्टर 6 महीने पे रखने जा रहे हैं, आप पानी की हर स्कीम पे आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, बिजली विभाग में आप आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, हर विभाग में ये चोर दरवाजे की भर्तियाँ हैं, ये चिट्टों से भी बुरी भर्तियाँ हैं जिस ढंग से ये भर्तियाँ करने जा रहे हैं, हैं बड़े पैमाने पे चोर दरवाजे से भर्तियाँ करने जा रहे हैं। पहला साल सरकार का है, ऐसी क्या आफत आ गई है? क्या इनको किसी बात का डर है कि इनकी सरकार चली जाएगी? क्या इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इनका स्थिरता पे कोई आँच आने वाली है जो ये जो है आउटसोर्स की भर्तियों को अंजाम दे रहे हैं? तो इसके अलावा इन्होंने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया, हिमाचल की जनता को किस ढंग से इन्होंने फ्रेम किया, 65,000 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे बनाने की बात की आपने, और ये कहा कि 70 नेशनल हाईवे बनेंगे, आज एक भी नेशनल हाईवे के लिए एक भी पैसा नहीं आया है, रिकॉर्ड पे है और ना ही आना है। ये मुख्यमंत्री जी हवा में उड़ रहे हैं रोजाना, सड़क पीडब्ल्यूडी महकमा उनके पास है, जब पीडब्ल्यूडी महकमा उनके पास है वो तो सड़क को देख ही नहीं रहे हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस भी जो है वो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। ठीक है हेलीकॉप्टर जो है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप छोटे से छोटे डिस्टेंस को भी जो है हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपकी GAD कह रही है हम तो पागल हो गए, सवेरे से शाम तक हेलीकॉप्टर जुटाने पड़ते हैं, हर जगह हेलीकॉप्टर जुटाने पड़ते हैं, 2 नए हेलीकॉप्टर आप खरीद रहे हैं, महंगी महंगी आलीशान गाड़ियां आपने खरीद ली हैं, हर ये जो चेयरमैनों की लंबी फौज आपने खड़ी कर ली है, और उसके बाद जगह जगह एस के नज़दीकी हैं, RSS की आप लोग कठपुतली बढ़े हुए हैं, और कानून व्यवस्था की हालत ये हो गई कि 100 के आसपास कत्ल हो गए पहले साल में, 300 के आसपास रेप हो गए, कभी भी किसी साल में रेप का आंकड़ा 3 साल 300 से ऊपर नहीं गया था, 200 के से नीचे ही रहता है, इस बार 300 से भी ऊपर रेप हो गए। आप तो कानून व्यवस्था की दुहाई देके सत्ता में आए थे, आपने कहा था माफिया को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने किस ढंग से जो है ये किया है, और ब्रिक्स की ब्रिक्स में जो है जो प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं ये तो जो है मुख्यमंत्री और IPH मिनिस्टर की घर की दुकान हो गई, 66 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ब्रिक्स का पैसा दिया जा रहा है, 250 करोड़ के टेंडर हो गए, और बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं, हर टेंडर में जो है कंडीशनें बदली जा रही हैं, जितने भी टेंडर हैं चाहे वो स्वां के टेंडर हैं चाहे वो ब्रिक्स के टेंडर हैं, शिमला की वाटर सप्लाई स्कीम के टेंडर बदल दिए गए, पायदान से खिसक के 20वें पायदान पे पहुंच गया। ये टूरिज्म की दुहाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार टूरिज्म के लिए काम कर रही है, दूसरे से 20वें पायदान पे पहुंच गया। ADB प्रोजेक्ट का हेड किसको लगा दिया आपने? कहां से लगा दिया आपने? जिसका
टूरिज्म विभाग से कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष के पास सर मुद्दे बहुत है लेकिन सरकार भी अपना काम करती है, तो अब सदन कैसे चलेगा? सरकार कहाँ काम कर रही है? सरकार काम करने होती तो हम यहाँ बैठे होते। सरकार तो जुमलेबाजी कर रही है। सदन कैसे चलेगा? सदन को लेकर सरकार जुमलेबाजी कर रही है। हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जिससे कि सरकार को विवश किया जाए, सरकार को काम करने के लिए विवश किया जाए। इन्होंने पिछले बजट में 30 स्कीमें दी और वहाँ कितनी इन्होंने कहा कि हम इतनी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, किसी स्कीम का किसी पत्रकार को नाम आता है? आप इतनी बड़ी फौज खड़ी है यहाँ पे, इस सरकार की किसी स्कीम का आपको नाम आता है? तीस स्कीमों का बजट का पता कर लो आप। 30 स्कीमों का बजट को अफसर कह रहे हैं कि ये जनमंच नहीं है, जिस ढंग से हमें डांटते हैं, जिस ढंग से हमें फटकारते हैं, कर्मचारियों को डांटते हैं, और संडे के दिन वो कहते हैं हमारे लिए तो ये झंड मंच हो गया, हमारे झंड करने के लिए जो है इन्होंने चलाया हुआ। सत्र चलेगा आगे? ऐसे थोड़ी सत्र ऐसा है सरकार को काम करना पड़ेगा। एनस्टार न्यूज के लिए तपोवन धर्मशाला से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।